प्राणपुर में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, जिम्मेदार अधिकारी मौन। एक ऐसा विद्यालय जो कीचड़ में है तब्दील। विद्यालय के प्रांगण में जलजमाव की समस्या है उत्पन्न। प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के काठघर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय दतरंगा के प्रांगण में कीचड़ एवं जलजमाव की समस्या से विद्यालय परेशान। पठन पाठन में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विद्यालय के रूम में भी बारिश का पानी जमा हुआ है। जमा हुआ रहने से विद्यालयों में पठन पाठन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि समय से शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं। शिक्षक अपने मनमानी तरीके से विद्यालय खोलते हैं एवं बंद करते हैं। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि विद्यालय में 4 महीने पहले विकास मद के लिए 50,000 रुपया आया था, प्रधानाध्यापिका सुमन किशोर खर्च नहीं किया। वहीं मध्यान्ह भोजन भी मेनू के हिसाब से बच्चों को नहीं दिया जाता है। ग्रामीण जब विद्यालय में बैठक रखने के लिए कहते हैं तो प्रधानाध्यापिका महोदय सुमन किशोर आज कल करके बहाना बनाती रहती है। जब प्रधानाध्यापिका सुमन से पूछे जाने पर उन्होंने कहा ग्रामीण ऐसे बोलते हैं और विकास मत में 50,000 की राशि आया था वह हम खर्च कर चुके हैं। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि विकास मत के 50,000 खर्च हुआ या नहीं। ग्रामीणों के साथ बैठक कर या विभाग अधिकारी के जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। अब तक देखने वाली बात होगी कि कब शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी संज्ञान लेते हैं और विद्यालय प्रांगण के जलजमाव एवं कीचड़ की समस्या दूर करेंगे। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से विद्यालय को दुरुस्त करने की मांग किया है। किनकी लापरवाही मानी जाएगी? एचएम का, सबसे बड़ी बात एचएम। हमारे और एक व्यवस्था बता दूं कि एक सरकारी योजना आया था 50,000 हर एक स्कूल में मिला है, जैसे बाउंड्री वाल आता है और जीर्णोद्धार कोई भी कार्य, लेकिन हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे कि एक 4 टेलर मिट्टी गिरा दिए हैं और मिट्टी कौन दी है जी? मिट्टी कौन गिराए? वो एचएम गिरा है, वही देखा के लिए हम इसके विरोध भी किए एचएम से कि जो आपका जो राशि आया है 50,000 जीर्णोद्धार जैसे बाउंड्री वाल हुआ, जैसे टीना का जो भी है, उसका कार्य क्यों नहीं हुआ? नहीं, गर्मी का छुट्टी के बाद करेंगे, इसके बाद 1 महीना के बाद हम कार्य करेंगे। आज तक नहीं हुआ, हम लोग भी बोलते बोलते थक गए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया यहाँ व्यवस्था हो और हमारे एचएम का कुछ कार्रवाई किया जाए। इसके कारण की शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है मेरे गाँव का कि हमको बहुत तकलीफ होता है इस गाँव का, क्योंकि हम भी एक पढ़े लिखे इंसान है, यहाँ का हम शिक्षा है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, जो कि हम वार्ड सचिव भी हैं यहाँ के। जो हम यही कहना चाहेंगे, आपसे अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके इसका कुछ निराकरण किया जाए, जो कि हमारे शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, आपके विद्यालय का बदहाल स्थिति है, इनका कौन है जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार है यहाँ का जो हेडमास्टर है जी, मैडम जी यानी शिक्षक लोगों का, ये सब लापरवाही जी, शिक्षक लोगों का मनमानी है यहाँ। ये लोग जो है, जो टाइम टेबल है, नो टाइम टेबल से आता है, नो टाइम टेबल से बच्चे को देखरेख करता है। इस स्थिति में बच्चे सबका संख्या भी देखिए कितना घटा हुआ है, कहाँ बच्चा लोग आएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ टहलेगा, इसका कोई तरह का जवाबदेही इन लोगों के ऊपर में नहीं। शिक्षक लोग समय पर आते हैं विद्यालय? जी नहीं, कोई शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, सब जो है सो अपने मनमानी तरीके से आने का है। 9 बजे तो आएंगे, 10 बजे आएंगे, 11 बजे, इस तरह का मनमानी है। और सबसे बड़ा बात है कि हर विद्यालय में, हमारे बिहार के अंदर में हर विद्यालय में विकास योजना का जो मतलब कि पैसा दिया गया, हर विद्यालय में, अगल बगल का विद्यालय में भी देखते हैं प्रोग्रेस किया, विकास का काम किया, लेकिन हमारे यहाँ जो है किसी तरह का विकास नहीं, सब मार मोचार के खाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसका विकास हो, हम लोगों का बाल बच्चा कैसे मतलब कि आगे बढ़ेगा जी। हम लोग बाल बच्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। इस स्कूल में जो है एकदम बिल्कुल चरवाहा विद्यालय से भी बदतर कर दिया जी। इस विद्यालय में नो खाने पीने का व्यवस्था सही, सारे बच्चा को भिखारी बना दिया, बस टाइम पर घंटी बज जाता है कि जाओ खाने का समय हो गया, सब बच्चा छूटा अपने अपने घर से खाली आता है, तब भीख मांगता है, उसके बाद मिलता है खाली भी, बच्चे लोग घर चलाते हैं, ये भी बच्चा को खाने नहीं मिलता है। ये किस तरह का यहाँ विकास मत में जो 50,000 रुपया आया, क्या उनका इस्तेमाल किया गया? ये पैसा कोई इस्तेमाल नहीं, बस 2 टेलर सिर्फ मिट्टी यहाँ गिरा दिया है,
बस इसके अलावे इसका विरोध भी किए थे, इसका विरोध भी हम लोग किए गांव वाला है। ये इनका अध्यक्ष जो है वार्ड मेंबर हमारे वार्ड मेंबर के समक्ष में आखिर के विरोध भी केवल लगना हो जाएगा, मतलब कि जुलाई में काम कर देंगे हम लोग, जून में छुट्टी होगा, छुट्टी के बाद हम लोग काम कर देंगे, लेकिन आज तक कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया। और सामने में स्थिति देख लीजिए, दर्शाइए आगे सरकार से, मतलब कि हम लोग सरकार से क्या मांग कर, सरकार से मांग कर देगा हम लोग का विद्यालय का जो है सो कंडीशन सही हो, हमारे बाल बच्चा आगे बढ़े, बस यही हम लोग चाहते हैं। परिचय क्या नाम है? रामानंद गोस्वामी। ग्रामीण का आरोप है कि विकास मत के लिए जो 50,000 रुपया आपके विद्यालय में आया है उसको आप खर्च नहीं किए हैं और 3-4 टेलर ही मिट्टी आप स्कूल के प्रांगण में दिए हैं, ग्रामीण का आरोप है। हम तो बोले हैं बैठक में आइए आपको हम सब दिखाते हैं जी, सब है। ग्रामीण आप पर आरोप लगाया है? कोई बात नहीं है, ग्रामीण तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब हमारे पीछे वाले इतना तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो कहाँ कोई कोई बोलते हैं। जितना समस्या है यहाँ पाइप लगवाए, लेकिन पाइप भी बंद कर दिया गया इन लोग के द्वारा। सचिव के द्वारा भी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि क्या सचिव भी बोल रहा है? कहाँ बुलाइए ना, तो बुलाइए सामने में बात करवाइए, सामने में बात करवाइए, सचिव भी बोले ना। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, सामने बुलवाइए ना, वो मेंबर को भी बुलवाइए। क्या नाम है आपने आपका? सुमन। आप क्या हैं विद्यालय के? एक हैं, प्रभारी हैं। कौन विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय दत्तपुर। शिकागो पिज्जा टेस्टी डिलीशियस यम्मी, विजिट माई शॉप NS31 कुर्सेला नियर बालाजी धर्मकाटा।